बेटा ये क्वेश्चन देखें, कृष्णा कवर से सर्टेन डिस्टेंस बाई कार एट ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन ए स्कूटर विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। कृष्णा कुछ दूरी तय कर रहा है ना, मान लो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो जब वो जा रहा है वो कार लेके जा रहा है और उसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है उसकी? 35 किलोमीटर पर आवर वो जा रहा है, ठीक है। और मैंने मान लिया इसकी डिस्टेंस जो है डी है, इसकी डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने, डी डिस्टेंस कवर की है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद दोबारा वो जहां गया था वहां से वापस आ रहा है, वहां से वापस आ रहा है ए पॉइंट पर, ठीक है। पहले वो गया था 35 किलोमीटर पर आवर, फिर वो वापस आ रहा है बी से, फिर वापस ए की तरफ आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन में जैसे आप कहीं जा रहे हो और फिर वहीं से आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ रहे हो, तो आप एवरेज स्पीड का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अभी हमने प्रूव किया है ना थोड़ी देर पहले, तो वही लगाना है आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2ab / a + b। ए यानी आप किस स्पीड से वहाँ पे जा रहे थे, 35 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे थे 35 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आप कितनी स्पीड से रहे हो, 25 किलोमीटर की स्पीड से आप वापस आ रहे हो, ठीक है। 35 की स्पीड से आप जा रहे हो और 25 किलोमीटर की स्पीड से आप वापस आ रहे हो। पहले आप ए से बी की तरफ गए, फिर आप बी से वापस ए की तरफ आ गए, ठीक है। डिस्टेंस दोनों में इक्वल है और ए की वैल्यू है 35, बी की वैल्यू है 25। देखें आप एक बार, 2 × 35 × 25 इन दोनों को प्लस कर लो आप, 35 + 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये 5 की टेबल से कट जाएंगे, 5 की टेबल में ये कितने पे आता है, 7 पे आता है। 5 की टेबल में 35 कितने पे आता है, 7 पे, और 5 से इसे कट कर लो, 5 × 5 = 1 बचेगा, फिर 0 नीचे आ जाएगा, 5 × 2 = 10 यानी 12 आ जाएगा। 2 की टेबल से 12 कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 25, 7 और यहाँ है 6, अब कोई नंबर कट नहीं हो रहा है, तो आप 25 का 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 175/6। अब इनका डिवाइड कर लो, इनका डिवाइड यहाँ देखो आप, 175 में 6 से डिवाइड कर लो, 6 × 2 = 12 कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, और 1 में से 1 गया 0, फिर आप 5 को नीचे ले आओ, 6 × 9 = 54 कितना हो जाएगा, 54, 1 बचेगा। अब आप पॉइंट लगा लो यहाँ पे, यहाँ पे भी पॉइंट लगा लो, ठीक है, क्या आएगा, 6 × 1 = 6 जब आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे यहाँ 0 लग जाएगा, 6 × 1 = 6 10 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4, पॉइंट लगी हुई है, आप यहाँ 0 लगा सकते हो, 6 × 6 = 36 क्या बचेगा, 4, अब यही आता रहेगा तो लगभग आ जाएगी 29.16 किलोमीटर पर आवर, 29.16 पर आवर, देख लें आप इसे। अब हम पढ़ेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ठीक है, हाँ देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन देखो। पहले मान लो ट्रेन जा रही है ना, और आप वहाँ खड़े हैं, ट्रेन जा रही है, देखो यहाँ से ट्रेन जा रही है, आप यहाँ खड़े हो, मान लो आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, देखो ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन आपको क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन आपको क्रॉस करेगी ना, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो ट्रेन आपको क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जितनी उस ट्रेन की लंबाई है, जिस उस ट्रेन की जितनी लेंथ है, समझ आ रहा है। जैसे आप खड़े हो, कोई ट्री है, मान लो यहाँ पे कोई ट्री बना दिया मैंने,
कोई मैंने पोल बना दिया, ये पोल बना दिया मैंने, ठीक है, ट्रेन आपको क्रॉस करे, पोल ट्री को क्रॉस करे, पोल को क्रॉस करे, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जितनी उस ट्रेन की लंबाई है, जितनी उस ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। अब आप देखो, अब जो ट्रेन है, अब मान लो यहाँ पे ट्रेन जा रही है, अब जो ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, है ना? नहीं बेटा, आदमी को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस उतनी ही होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी, है ना, किसी पेड़ को क्रॉस करेगी, किसी पोल को क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, जितनी ट्रेन की लेंथ है ना उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। और यहाँ देखो, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, है ना, किसी टनल को क्रॉस करे, और देखो तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? मान लो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ L1 है, क्या है, L1 है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो L2 है। तो यहाँ देखो, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, किसी टनल को क्रॉस करे, किसी मान लो फाटक को क्रॉस कर रही है ना, हाँ, तो फिर कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ट्रेन की लेंथ L1 प्लस L2। तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तय, हाँ, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, आप उसकी ट्रेन की लेंथ को और उसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ को प्लस कर लोगे, समझ आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं, अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो उन दोनों को प्लस करके अपनी डिस्टेंस तब आएगी जब हम उन दोनों को प्लस करेंगे, और किसी पेड़ को किसी आदमी को किसी पोल को खंबे को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जितनी उस ट्रेन की लंबाई है, जितनी उस ट्रेन की लेंथ है। ये आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ देखो, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है यहाँ पे कोई ब्रिज भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रिज हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, यहाँ पे कोई मैन हो सकता है, मैन वोमेन, यहाँ कोई ट्री हो सकता है, यहाँ कोई पोल हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान, ट्रेन वाले क्वेश्चन करने से पहले ये बात ध्यान देनी है हमें, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ट्रेन वाले क्वेश्चन करा देते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन एग्जांपल। हाँ, ये क्वेश्चन देखें, बंद कर दो बेटा इसे। ये क्वेश्चन देखें, 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट 40.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए ट्री। एक ट्रेन है, देखो सेम अभी मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेन है ना, ट्रेन जा रही है ये, चलो इसके पहिए भी लगा देते हैं, ट्रेन जा रही है ना। अब
हाउ मच टाइम, वह कितना समय लेगी एक एक ट्री को क्रॉस करने में, एक पेड़ को क्रॉस करने में वह कितना समय लेगी, और उसकी स्पीड कितनी है 40.5 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन किसी स्पीड से जा रही है 40.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक पेड़ को क्रॉस कर रही है, यहाँ ध्यान दो, एक ट्री को क्रॉस कर रही है, तो इसको क्रॉस करने में वह कितना टाइम लेगी, क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो मैंने आपको ये बताया था जब कोई ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस करे तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी उस ट्रेन की लेंथ है, यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ कितनी है इस ट्रेन की 270 मीटर, और स्पीड कितनी है ट्रेन की 40.5 किलोमीटर पर आवर, 40.5 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो डिस्टेंस आपकी मीटर में है, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बताओ आप, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब आप कन्वर्ट करते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। चलो करो इसे, सोल्व करो इसे, स्पीड इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे पॉइंट है तो आप पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5/18। अब आगे देखो, देखो 5 से ये 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 405/18 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो 36 मीटर पर सेकंड। ये अपनी स्पीड आ गई, अब क्या आ गई, स्पीड आ गई। देखो डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, कर लोगे, थोड़ा ऐसे पकड़ लो बेटा, हाँ बस। अब आप देखो आपको टाइम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है अपनी 270 मीटर डिस्टेंस है अपनी, और स्पीड है अपनी 405/36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, नीचे फ्रैक्शन है तो आप इसको सोल्व करोगे तो 36 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 36, समझ आ रहा है। देखो ये इस तरह की कंडीशन होती है, a अपॉन b अपॉन c, यानी आपको a में डिवाइड करना है, b अपॉन c से डिवाइड करना है, तो जब आप डिवाइड सोल्व करोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, हो जाएगा c अपॉन b, यानी ए सी अपॉन बी हो जाएगा, यानी आपको ये जो है ना, ये जो नीचे वाला नंबर है इसे आप ऊपर ले जाओ, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो अब ये जो 36 है ये ऊपर चला जाएगा और 405 नीचे रहेगा, 405 नीचे रहेगा, ठीक है। अब आप देखो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में थी और डिस्टेंस आपकी मीटर में है तो टाइम आपका सेकंड में आ जाएगा, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, टाइम सेकंड में आ जाएगा। अब इसे सोल्व करो, देखो ये 5 से कट हो जाएंगे, बताओ एक बार, 5/8 जा 45 बन जा 5, ये भी 5 से कट हो जाएगा, 5/5 जा 25, 2 बचेगा, फिर 0 नीचे ले आओ, 5/4 जा 20। अब आप देखो 54 और 81 27 की टेबल से कट हो जाएंगे, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है 27, नहीं आप इसको 9 से भी कट कर सकते हो, ठीक है, तो आप 27 से करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, 27 की टेबल में 81 आता है 3 पे, 27 की टेबल में 54 कितने पे आता है 2 पे, है ना, कट जाएगा ये, देखो 3 से 36 कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 2 जा 24 सेकेंड, यानी वो जो ट्रेन है ना वो इस पेड़ को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, 24 सेकंड में उस पेड़ को क्रॉस कर देगी। और जब भी कोई ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, किसी खंबे को क्रॉस कर रही है, तो वो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी उस ट्रेन की लेंथ है, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन, ए ट्रेन इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, इफ इट क्रॉसेज ए पोल इन 25 सेकंड फाइंड इट्स लेंथ, यानी एक ट्रेन है ना
एक ट्रेन जो है वो एक पोल को क्रॉस कर रही है, पोल समझ रहे हो, एक खंबे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी उसकी लेंथ है। यानी इसने, यानी आपसे ये पूछा गया है इसकी लेंथ बताओ, यानी आपको सीधा सीधा डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस, जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वही इस ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है। तो देखो ये जो ट्रेन है किस स्पीड से चल रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, और जो इस पोल को है ना 25 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। टाइम कितना दे रखा है? 25 सेकेंड। 36 की स्पीड से चल रही है, 25 सेकेंड में इस पोल को क्रॉस कर देगी। तो आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है, यानी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो उसकी लेंथ वही हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो डिस्टेंस फाइंड कर लो आप, तब ये लिख लो लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ क्या होगी ट्रेन की? वही होगी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की लेंथ वही होगी जो डिस्टेंस, जितनी वह डिस्टेंस कवर करी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब आप देखो स्पीड है आपकी किलोमीटर पर आवर में 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम है आपका 25 सेकेंड में। तो आपको है ना, मैंने क्या कहा था, अगर अगर यहाँ पे टाइम सेकेंड में है तो आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। खोल देना बेटा इसे, वो आ जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे हम। बंद कर दो इसे। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर पर सेकेंड में। तो आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये टाइम पहले से ही सेकेंड में है। समझ आया? अभी मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। अब आप इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 18 की टेबल में 36 कितने पे आता है? 2 पे आता है। तो आप यहाँ लिख दो 2, 2 5 जा 10, और 25 का 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 250। मीटर में आएगा आंसर। किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि टाइम यहाँ सेकेंड में दे रखा था, तो आपको जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में बदलनी है, ठीक है। तो स्पीड हो जाएगी यहाँ मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी, स्पीड आएगी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में, और टाइम है यहाँ पे सेकेंड में, फिर वो सेकेंड से सेकेंड भी कट जाएगा, ठीक है। तो स्पीड आ जाएगी आपकी मीटर में। समझ आ रहा है? ठीक है। बेटा एक क्वेश्चन देखे, हाउ मच टाइम विल ए ट्रेन 171 मीटर लॉन्ग टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 229 मीटर लॉन्ग इफ इट इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। यानी एक जो ट्रेन है ना, जो ट्रेन है उसकी लेंथ गिवन है। ट्रेन ट्रेन की लेंथ क्या है? 171 मीटर। ट्रेन की लेंथ क्या है बेटा? 171 मीटर। अब ये जो ट्रेन है ना, ये एक ब्रिज को क्रॉस करेगी। ब्रिज समझ रहे हो, पुल को। ट्रेन अब एक ब्रिज को क्रॉस करेगी। मान लो यहाँ पे ब्रिज है और ब्रिज की लेंथ है 229 किलोमीटर। ट्रेन यहाँ पे ट्रेन की लेंथ 171 मीटर है, यहाँ पे इस ब्रिज की लेंथ है 229 किलोमीटर। अब ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को है ना, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी बिग टनल को क्रॉस करे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इन दोनों का क्या कर देंगे बताओ? ऐड कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो अब आप लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी पेड़ को, किसी आदमी को, ठीक है, किसी खंबे को, पोल को क्रॉस कर रही है,
तो ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जितनी उस ट्रेन की लंबाई है, जितनी उस ट्रेन की लेंथ है। लेकिन अगर किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, ठीक है, इन दोनों की लेंथ को आप प्लस कर दोगे, तो 171 प्लस 229, इन दोनों को आप प्लस करो, देखो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, ठीक है, 729, 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। और ट्रेन की स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको कहा था, अब यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में है, तो ये भी स्पीड भी आपकी मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड, स्पीड मीटर में, सॉरी डिस्टेंस मीटर में है, तो ये भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर ये किलोमीटर में होता ना, फिर ये किलोमीटर पर आवर, फिर काम चल जाता, काम बन जाता अपना, सेम होनी चाहिए, मीटर है तो यहाँ भी मीटर हो, अब यहाँ मीटर नहीं है, तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, प्रूव किया हुआ है ये, ठीक है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो 45 और 18 है ना, 9 की टेबल में आते हैं दोनों, बताओ आते हैं या नहीं, हाँ बता दो तो जल्दी सी, 9 की टेबल में 18 कितने पे आता है, 2 पे, और 9 की टेबल में 45 5 पे आता है, ठीक है, 5 जा कितना होगा 25 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड, यानी आपकी स्पीड आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकंड। नहीं, आपको हाउ मच टाइम, कितने टाइम में क्रॉस करेगी ये ट्रेन, आपको टाइम फाइंड करना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है अपनी 400, फोर, और स्पीड कितनी है 25/2, मैंने आपको अभी बताया था, है ना, ए अपॉन बी अपॉन सी, हाँ मैंने बताया था, एक टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 400 के पास चला जाएगा, तो ये जो 2 है वो आप 400 के पास भेज दो उसे, अपॉन 25, अब आप देखो 25 की टेबल से कट हो जाएगा, 25 बन जा 25, 15 बचेंगे, फिर जीरो नीचे आ जाएगा, तो 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 6 पे चला जाएगा, वेरी गुड, 16 2 जा 32, तो टाइम 32 सेकेंड, वो ट्रेन इस ब्रिज को, इस पुल को क्रॉस करने में, वो ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, 32 सेकेंड्स का टाइम लेगी। बेटा एक क्वेश्चन देखें, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल, यानी देखो एक आपने देखा होगा समुद्र में लहरें उठती हैं, है ना, एक आपने देखा होगा पानी बिल्कुल शांत है, पानी बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं कर रहा, और फिर आपने देखा होगा अगर पानी कई बार ऐसे भी चलता है ना, लहर में चलता है, ठीक है, स्ट्रीम जो स्पीड, जो स्ट्रीम की स्पीड होती है, जो धारा की स्पीड होती है, वो भी ऐड हो जाती है, तो स्टिल वाटर का मतलब समझ गए, पानी बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा, तो स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसका तो कोई यूज है नहीं, इसमें आपको ये बताना है उसकी स्पीड है, स्पीड जो नाव की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, पानी बिल्कुल शांत है उसमें स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी आपको ये जो मीटर पर सेकेंड में स्पीड दी हुई है इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था जब किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो, आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि जब स्पीड मीटर पर सेकंड में है, आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी अपनी 18 किलोमीटर पर आवर, समझ आ रहा है। अब आपसे ये बोलते हैं ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको उसमें बदलो मीटर पर सेकेंड में, हाँ ये जो 18 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में, समझ आ रहा है।
अगर मीटर पर सेकंड में है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर किलोमीटर पर आवर में है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कार, क्या हुआ सही है? ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कार मूविंग एट 20 meters per second फॉर 3 hours। डिस्टेंस बतानी आपको, वो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, मुझे दोलाओ, वो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। उस कार की स्पीड है 20 meters per second, टाइम है 3 hours, 3 hours टाइम है। तो आप देखो, स्पीड है आपकी 20 meters per second और टाइम है आपका 3 hours, टाइम घंटे में है, स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला काम है आपका जो स्पीड मीटर पर सेकंड में है, जो स्पीड मीटर पर सेकंड में है उसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि टाइम आपका आवर में है। ठीक है, तो जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो बताओ, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड अगर गिवन है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करो इसको। देखो, 5 की टेबल में 20 कितने पे आता है, 4 जा पे, 5 से 20 कट हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 18 × 4 = 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड आ गई अपनी 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम है अपना 3 hours। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, क्या फॉर्मूला लगाओगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 3 hours, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3×2 = 6, 3×7 = 21, 216 किलोमीटर। बस अब ये चीज़ ध्यान दे, आपको हमेशा इस पर ध्यान देना है। ठीक है, टाइम यहाँ घंटे में है, टाइम आवर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो आप इसको कन्वर्ट करो, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। ठीक है, सेम होने चाहिए। ठीक है, किलोमीटर है तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो, और मीटर पर सेकंड में है तो टाइम सेकंड में हो, ऐसे करना है आपको। देखें आप, फाइंड, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस 0.9 किलोमीटर बाई ए बुलो कार्ट मूविंग एट 0.25 meters per second। फाइंड द टाइम, आपको टाइम फाइंड करना है कि कितना समय लेगी एक बैलगाड़ी इस स्पीड से जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, 0.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, स्पीड है उसकी 0.25 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है ना, और डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपको बताना है कितना टाइम लेगी 0.9 किलोमीटर जाने में, वह कितना टाइम लेगी, कितना समय लेगी। तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में है तो यहाँ पर भी किलोमीटर होना चाहिए, ये मीटर पर सेकंड में है तो आपको किस में कन्वर्ट करोगे, इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे। तो बताओ आप, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करते हो, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो अब आप एक बार देखो, 5 से आप इसे कट कर सकते हो, ठीक है, 5 से आप इसे कट कर सकते हो, कर लो, 5×5 = 25, 5×5 = 25। जीरो क्यों आया, क्योंकि हम दोनों डिजिट एक साथ ले रहे हैं, 25 को हम एक साथ ले रहे हैं, 2 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, फिर हमने 5 भी ले लिया तो आएगा 05। 0.05 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 18×5 = 90, कितना होता है 90, 18×5 = 90, तो यह आ जाएगा 0.90। आप इसे 0.9 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.9। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है उसके बाद जीरो है तो आप उसे छोड़ सकते हो, तो याद आएगा 0.9 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब आप देखें, अब आपको टाइम फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 0.9 किलोमीटर और अपनी स्पीड है 0.9 किलोमीटर पर आवर।
0.9 से 0.9 कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर भी कट जाएगा, ये आवर ऊपर चला जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, जब ये दोनों कट जाएंगे क्या जाएगा 1, यानी 1 आवर। तो एक घंटा लेगी वह गाड़ी, ठीक है, एक घंटा लेगी 0.9 किलोमीटर जाने में 0.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, समझ आया। देखें बेटा ये क्वेश्चन, ए ट्रेन रन्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, 45 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकंड, वह 6 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, यानी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड है आपकी 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम देखें आप, टाइम है आपका सेकंड में, तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, स्पीड भी किस में होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो ये दोनों 9 की टेबल में आते हैं, 9 की टेबल में 18 कितने पे आता है, 2 जा पे, सही है, और 9 की टेबल में 45 कितने पे आता है, 5 जा पे, 5 जा कितना हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड, और टाइम है, टाइम गिवन है आपका 6 सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करनी है, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, हाउ फार डज इट गो इन, वह कितनी दूर जाएगी, तो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 25/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 की टेबल से 6 कैंसिल हो जाएगा, बताओ 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, 25 × 3 = 75, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 75 मीटर जाएगी, वो कितनी दूर जाएगी, 75 मीटर जाएगी। बेटा ध्यान दे इस क्वेश्चन पर, ए ट्रेन 315 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 315 मीटर और वो इस स्पीड से जा रही है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, हाउ मच टाइम है, कितना टाइम लेगी, क्या फाइंड करना है आपको, टाइम है, कितना टाइम लेगी, विल इट टेक्स टू क्रॉस ए पोल, ध्यान दो पोल को क्रॉस करना है, जो ट्रेन है ना वो किसको क्रॉस करेगी, पोल को क्रॉस करेगी, और मैंने आपको बताया था जब ट्रेन किसी पोल को, किसी ट्री को, किसी मैन को है ना क्रॉस करे तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी उस ट्रेन की लेंथ है उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, तो ट्रेन की लेंथ है 315 मीटर और इसकी स्पीड है इसकी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, और आप देखें एक बार स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस मीटर में है, डिस्टेंस कितनी है अपनी, डिस्टेंस है 315 मीटर, क्योंकि जब रेलगाड़ी किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस उतनी ही ली जाएगी जितनी उस रेलगाड़ी की लंबाई है, जितनी उस ट्रेन की लेंथ है, तो डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड को आप चेंज करो, हमेशा आप स्पीड को ही चेंज करना, ठीक है, हर क्वेश्चन में हम स्पीड को ही चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर में है तो मीटर में आपको ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन मिलेगा, ये अलग अलग रहेंगे, ये मीटर में है तो ये किलोमीटर में दे देगा, ये किलोमीटर में है तो ये मीटर में दे देगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इन दोनों को सेम करें, यहाँ मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में सोल्व करें, बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, किससे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, बताओ 18 की टेबल में 54 कितने पे आता है, 3 पे आता है ना, 18 से 54 कट हो जाएगा, ठीक है, और 5 × 3 = 15 मीटर पर सेकंड। अब आप देखो, अब आपको टाइम फाइंड करना है, टाइम आप कैसे फाइंड करोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है आपकी 315 मीटर और स्पीड है आपकी 15 मीटर पर सेकंड, तो देखो 15 डिवाइड करो, 15 × 2 जा होता है 30, 1 बचेगा, 5 नीचे आ जाएगा 15 हो जाएगा, 15 × 1 = 15, मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 21 सेकंड, तो टाइम क्या लगेगा उसको, 21 सेकंड,
जो ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है और उस ट्रेन की लेंथ है 315 मीटर, उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, तो उस पोल को कितने समय में क्रॉस करेगी वह? 21 सेकेंड में क्रॉस करेगी। समझ आ रहा है? सिलेंडर ऑन करो बेटा। देखो ये क्वेश्चन, हाउ मच फार्दर कैन एन इंटर स्टेट बस गो बाई ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर रेदर देन एट 75 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर। ठीक है, एक बस है, क्या है? एक बस है, तो हम यहाँ बस बना लेते हैं। देखो यहाँ बना लेता हूँ मैं बस, ठीक है। हाँ ये बस है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है वो 75 किलोमीटर की स्पीड से जाए और फिर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, है ना? तो वो इनमें डिफरेंस कितना होगा ये बताना है हमें, क्या होगा इनमें डिफरेंस कितना होगा? एक 75 किलोमीटर की स्पीड से जाए, तो इसमें दो स्पीड दी हुई हैं, एक स्पीड है उसकी 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम है उसका 5 आवर। एक क्वेश्चन बस, तो डिस्टेंस होगी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम ज़्यादा हो गया क्या आज? चलो बस ये क्वेश्चन देख लो अभी, फिर बंद करते हैं। 75 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 जा 25, 2 बचेगा, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, तो डिस्टेंस हो जाएगी 375 किलोमीटर। जब वो बस 75 की स्पीड से जाएगी 5 घंटे, तो वो जाएगी 375 किलोमीटर, और जब वो बस 80 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जाएगी, तो इसमें डिस्टेंस बताओ, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 80 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो जाएगा 400 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 400 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है हाउ मच फार्दर, है ना, ये कितनी दूर चली जाएगी वो बस, कितनी दूर चली जाएगी, एक तो 75 की स्पीड से जाए, एक 80 की स्पीड से जाए, तो इन दोनों की आपको तुलना करनी थी कि 75 की बजाय अगर वो 80 की स्पीड से जाए तो वह कितनी आगे और चली जाएगी। यानी आप इन दोनों का माइनस कर लो, 400 माइनस 375 क्या आ जाएगा? 25 किलोमीटर दूर चली जाएगी। कितना दूर चली जाएगी? 25 किलोमीटर दूर चली जाएगी वो बस, 25 किलोमीटर दूर चली जाएगी। तो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैम भी बाहर खड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं अपने पीरियड का। तो अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है? और कल मिलते हैं, गुड बाय।